डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे आरोही क्रम, जिसको आसान भाषा में देखा जाए तो इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको इस तरह अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम का अर्थ हुआ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करके सबसे बड़ी संख्या के स्थिति को दर्शाना ही आरोही क्रम कहलाता है। एक बार और देखेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करके सबसे बड़ी संख्या के स्थिति को दर्शाना ही आरोही क्रम कहलाता है। क्योंकि आज हमने बहुत सारे एग्जांपल लेके आए हैं, इसको हम लोग आज देखेंगे और इस एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह आरोही क्रम को समझते हैं। तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर में पहले सबसे छोटी संख्या खोजेंगे, कौन सी है सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी संख्या ये है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे, उसके बाद इससे जो बड़ी संख्या होगी, इससे बड़ी संख्या ये है, फिर इसको लिख लेंगे, इससे जो बड़ी संख्या है ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। इस तरह से ये संख्या आरोही क्रम की स्थिति में सज गई, ठीक है। फिर दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, फिर इसी में वही रूल अप्लाई करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको देखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ये है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 14 को, फिर इससे जो बड़ी संख्या होगी ये है, फिर इसको लिख लेंगे, फिर इससे जो बड़ी संख्या है कौन है, तो ये है, इसको लिखेंगे, फिर इससे जो बड़ी संख्या है ये है, फिर इससे बड़ी संख्या ये है, फिर इससे जो बड़ी संख्या है ये है। तो इस तरह ये हमारा आरोही क्रम के क्रम में सज गया। फिर और सारे एग्जांपल को देखेंगे, जैसे में ये दिया गया है 45, 39, 38, 42, 49, 43, इन सभी में पहले खोजेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा ये है 39, फिर 39 को पहले लिखेंगे, फिर इससे जो बड़ी संख्या होगी कौन है, इससे जो बड़ी संख्या होगी ये 42 है, फिर इससे जो बड़ी संख्या होगी 43 है, यहां पर दिखाई दे रहा है 43, फिर इससे जो बड़ी संख्या है 45 है, और फिर इससे जो बड़ी संख्या है 49 है। फिर अगले एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, इस एग्जांपल में सबसे छोटी संख्या कौन है, सेम वही रूल अप्लाई करके उसी तरह सेम सबसे छोटी संख्या पहले खोजेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो 60 है, जस्ट लाइक उसी तरह 60 को उतारेंगे, फिर इससे जो बड़ी संख्या होगी कौन है, तो ये 62 है, 62 लिख देंगे, फिर उसी तरह 63 है, यहाँ पे 63 को लिखेंगे, फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए 68 लिखा हुआ है, 68 को उतारेंगे, फिर यहाँ पे सेम इससे जो बड़ी संख्या है 72 है, फिर इससे जो बड़ी संख्या है 73 है, फिर इससे जो बड़ी संख्या है 75 है, ठीक है। इस तरह के और सारे एग्जांपल है जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सबसे इसमें छोटी संख्या देखिए 101 है, ये 110 है, ये 109, ये 118, 112, 114। इसमें अगर सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 101 ये वाला, फिर इससे जो बड़ी संख्या है 109 है, कौन है 109 है, फिर इससे जो बड़ी संख्या है 110 है, फिर जो इससे जो बड़ी संख्या है 112 है, फिर इससे जो बड़ी संख्या है 114 है, फिर इससे जो बड़ी संख्या है 118 है। तो ये था हमारा आरोही क्रम का एग्जांपल, और इसी तरह के हम लोग अवरोही क्रम में भी देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक मैथ के साथ हम हर अपने वीडियोज के साथ लेते रहें। देखिए, ये दूसरा है अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं
घटते क्रम, इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीज मीन्स होता है घटना। जिसको अगर इस तरह देखा जाए आरोही क्रम, इसको घटते क्रम का बोलते हैं। घटते क्रम का अर्थ हुआ सबसे बड़ी संख्या से, क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके, मतलब सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके सबसे छोटी संख्या, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सबसे छोटी संख्या की स्थिति को दर्शाना ही आरोही क्रम कहलाता है। सबसे छोटी संख्या की स्थिति को दर्शाना ही आरोही क्रम कहलाता है। जैसे कि इन एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे कि इस नंबर में देखेंगे सबसे जो बड़ा नंबर होगा पहले उसे लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो फिर इसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर इससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो इससे छोटा कौन है, ये 12 है, तो 12 को यहाँ लिख लेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, तो 9 है, तो 9 को लिख लेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, 8 है, तो 8 को लिख लेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, 3 है। मतलब समझेंगे इस तरह कि सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके, शुरुआत हमने बड़ी संख्या से किया और कह रहा है सबसे छोटी संख्या की स्थिति को दर्शाना, सबसे छोटी संख्या तक लेके चले जाना, क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। जस्ट लाइक इसी तरह इसमें इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सबसे जो बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 25 है, तो हम लोग लिखेंगे 25। फिर इससे जो छोटी संख्या होगी कौन है, तो 22 है, लिखेंगे 22। फिर इससे जो छोटी संख्या होगी कौन है, तो 18 है, 18 लिखेंगे। फिर इससे जो छोटी संख्या है 16 है। फिर इससे जो छोटी संख्या है 20 है। फिर इसी तरह के और सारे एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें देखेंगे आप जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे। इसमें इस सभी नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 80 है, 80 को लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन है, तो 75 है, तो 75 को लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन है, तो 65 है, तो 65 को लिखेंगे। और इसके बाद कौन है, तो 62 है, ठीक। जस्ट इसी तरह इस एग्जांपल में देखेंगे 112 है, 128 है, 118 है, 116 है, 122 है। फिर इसी में जस्ट लाइक उसी तरह सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है 128। फिर डैश देंगे 122, देखिए इसके बाद कौन आ रहा है, तो 122 आ रहा है, 122। फिर इसके इससे जो छोटा होगा कौन होगा, तो 118। फिर इससे जो छोटा होगा 116 होगा। फिर जो इससे छोटा होगा 112 होगा। फिर इन एग्जांपल में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 800।